चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्यों को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर नहीं करते रात को सोते समय औरत के साथ ये एक गुप्त काम तो उम्र भर रोते रहोगे। दोस्तों, उससे पहले आइए जानते हैं अगर औरत के ये अंग बड़े हैं तो वो है बहुत भाग्यशाली। कौन से अंग, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूज्य माना गया है, उन्हें सबसे उच्च सम्मान प्राप्त है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कन्याओं के पूजन की परंपरा है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और समुद्र शास्त्र की बात करें तो इसमें महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, हर महिला की अपनी एक खासियत होती है, उनका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर या भाग्य बदलने वाला होगा, इस सवाल का जवाब सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैरों और नाखूनों तक की स्थिति को बताया गया है कि उनका क्या फल मिलता है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह है कि हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते थे तो शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के शारीरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि महिलाओं के कौन से अंग अगर बड़े हैं तो वो पति और परिवार के लिए भाग्यशाली, उनके भाग्य को बदलने वाली होती है और उनके लिए बहुत ही शुभ होती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, नंबर एक है लंबे और बड़े बाल। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती है, अर्थात उच्च कोटि की होती है। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। अगर आप भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखेंगे तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती है। दोस्तों, नंबर दो है लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती है। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है और इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नंबर तीन है ऊंचा वक्षस्थल। सामुद्रिक शास्त्र और भविष्य पुराण में लिखा गया है कि ऊंचे, सुडौल और बड़े वक्षस्थल वाली महिलाएं सौभाग्यशालिनी होती है। इनके सुडौल वक्षस्थल धन संपत्ति और ऐश्वर्य के प्रतीक है। दोस्तों, प्राचीन देवी प्रतिमाओं में आप देख सकते हैं कि शिल्पकारों ने बड़े वक्षस्थलों को सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी महिलाएं पति के लिए एक तरह से तारणहार होती है। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। नंबर चार है मांसल और पुष्ट जंघाएं। मांसल और पुष्ट जंघाएं भी सौभाग्यशील होने का प्रतीक होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पुष्ट और मांसल होती है तो वो औरत बहुत ही भाग्यशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली और विकृत जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। नंबर पांच है बड़ी आंखें। दोस्तों, बड़ी आंखों वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। वे विदुषी, विवेकशील और बहुत ही समझदार होती है। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती है और विपत्ति आने पर अपने सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती है। इनके रहते घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नंबर छह है लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती है। ये हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती है।
इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसके अलावा सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दोस्तों नंबर 7 है पैर और उंगलियां। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के हाथ और पैरों के आकार को विशेष महत्व दिया गया है। सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी स्वरूप होती है। इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती हुई होती है। ये महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली और पति के लिए लकी होती है। इसी तरह हाथों की मध्यम आकार की उंगलियों और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी बहुत ही लकी साबित होती है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि औरत के साथ रोज रात को कौन सा काम अवश्य करना चाहिए। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी के अनुसार रात को सोते समय औरत को अगर रोज प्यार करोगे तो आपका शादीशुदा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और अगर नहीं करते तो आपका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और आपका जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए दोस्तों रोज रात को सोते समय अपनी पत्नी को प्यार करके ही सोना चाहिए। और दोस्तों अगर सोते समय आप ये एक गुप्त काम नहीं करोगे तो उम्र भर रोते रहोगे। दोस्तों अगर आप ये गुप्त काम करते हैं तो आपकी पत्नी आपके पैर धोएगी और आपके तलवे चाटेगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ अनमोल वचन जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।